तो दोस्तों राम राम, स्वागत है मेरे YouTube चैनल समय का तारीफ फिटनेस। तो जय श्री राम दोस्तों, आज अपने 14 डेज लेफ्ट रह गए हैं। तो भाई कंपटीशन बिल्कुल नज़दीक आते हुए, और आप एप्स की क्लैरिटी देख लो, डे बाय डे इम्प्रूवड और पहले से बेटर, ठीक है। और वेंस देख लो, एप्स पे भी वेंस आ रही है, और मेरे को लग रहा है 6 नहीं मेरे 8 एप्स आएंगे इस बार। देखो दो दो नीचे वाले भी पंप आउट हो गए हैं और दो ऊपर वाले। तो भाई यही है ट्रेनिंग का फ़र्क एंड डाइट का फ़र्क। तो भाई आप भी लगे रहो, 1 घंटा कार्डियो कर आए हैं, अपना एब्स ट्रेन कर आए हैं, 1.5 घंटा हो गया वर्कआउट सुबह और 1.5 घंटा शाम को, तो 3 घंटे वर्कआउट तो देने ही पड़ेंगे भाई। पर प्रॉपर अच्छे से डाइट और अच्छे से दे दो तो और अच्छा है, ठीक है भाई। तो चलो भाई अपनी फर्स्ट मील की तरफ चलते हैं, तब तक मैडम को देखो मैडम क्या कर रही है। मैडम अपना व्लॉग डालती रहे सुबह सुबह। और ये रही हमारी मील, 10 eggs वाइट एंड साथ में लेंगे सॉल्ट। तो चलो ये अपनी मील इज रेडी, तो खाते हैं फटाफट, फिर अपनी सेकंड मील दिखाता हूँ, फिर आपको सीधा वर्कआउट ही दिखाता हूँ। तो भाई बने रहना, ऐसे कोई नहीं दिखाएगा। नहीं भी भाई मैं डाइट दिखाता हूँ वो आपके लिए परफेक्ट रहती है या नहीं, और जो भाई कंपीट कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है या नहीं एक बार वो प्लीज़ बताना। कि भाई जो नए बंदे हैं, जो नए बिगनर जो किसी कंपटीशन की प्रेप कर रहे हैं, तो वो देख देख के कर सकता है। तो भाई मैं भी पहले ऐसे ही देखता रहा करता, मैं लास्ट वीक में क्या खाते हैं क्या नहीं करते, ये बड़े बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं भाई, एक सीनियर बॉडी बिल्डर। हाँ मैं अभी भी अपने से सीनियर जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी वीडियोज़ वगैरह देखता रहता हूँ इन दिनों में, कि भाई वो क्या अलग टेक्निक अपनाते हैं। पर हाँ मैं अप्लाई नहीं करता क्योंकि मेरे ट्रेनिंग पैटर्न अलग है और उनका कंपटीशन लेवल अलग है। तो मैं पहले अपने ट्रेनर से ही पूछता हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता। तो भाई आप भी थोड़ा सा इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट जरूर करें, जो आपके ट्रेनर ने बताया वो जरूर ले, ठीक है ना। पर हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअली परफेक्ट है बिल्कुल, कोई मैंने अभी तक कोई मेडिसिन नहीं ली जो कि ड्यूरेटिक हो या कुछ भी हो, तो आप भी ना लें ये लासिक्स वगैरह लास्ट के टाइम में, ठीक है ना। ये ड्रग्स वगैरह जितना दूर रखें अपनी बॉडी से उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि ड्यूरेटिक आपके पानी को तो निकाल देगा पर आपकी मसल्स को भी निचोड़ देगा। ड्यूरेटिक कुछ भी ना ले, AOD टाइप बहुत सारे चीज़ें हैं, तो वो मत लगाना भाई, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता। तो मैं अपनी प्रॉपर डाइट पे चल रहा हूँ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी से वर्कआउट। अभी लास्ट के 10 डेज में मैं वर्कआउट भी चेंज बताऊँगा तुम्हें कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो भाई ये रही हमारी सेकंड मील, इसमें 200 ग्राम चिकन है एंड 150 के आसपास वेजीज मिक्स कर रखे है, गाजर है, बीन्स है और पालक है, पालक भी है नीचे, ठीक है भाई। तो ऐसे ही अब मेरी सारी मील्स चलेंगी एंड तक, तो आपको पता ही है पूरे दिन में यही खाता हूँ। अब इसके बाद सीधे आपको वर्कआउट ही दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई ये देख लो मैडम ने, ये स्ट्रगल है मैडम का, देख लो भाई ये देख लो, ये बेड का क्या नाश करा मैडम आपने, क्या क्या करना चाह रहे थे आप ये बताओ, सच सच बताओ। आज मैंने सूट बोलते हैं इसको शरारे के ऊपर। तो भाई मुझे नहीं पता ये शरारा है क्या सूट है, बेलना शरारे के ऊपर सूट था मैडम। अब परफेक्ट लग रहा है, पहले मेरे को ये वाला है ना जो सूट था जो है? ये मेरे को पसंद नहीं था, पिछले करवा चौथ लिया था और सिर्फ एक ही बार पहना है, ये इनको पसंद नहीं आया था। मैं फोटो शेयर करूंगी किस तरीके का था, ये पूरा कवर था जैसा वर्क इस पे है वो इस पे था इनको पसंद नहीं आया था बिल्कुल भी, और ना मुझे पहनने दे रहे थे ये बताओ। मैंने पहनने क्यों नहीं दिया था, क्योंकि पसंद नहीं आ रहा था मुझे। तो बताओ भी ये ऐसे अच्छा लग रहा है कि वैसे अच्छा लग रहा है? ना ये अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और ऐसे कोई बिलीव नहीं करेगा, मैंने 4-5 ले रखे हैं जिनको मैंने एक एक बार पहन के, और कईयों को तो मैंने पहना ही नहीं, परचेज करके रख लिया है, और सबके साथ में स्मूथ वाला फ्लर है, तो मैं उन सबका ऐसा कट कट करके ये ब्लाउज बनाने वाली। पर भाई ये बताओ, अच्छा ये तो चलो ठीक है, ये तुम्हारे घर में सारी बीवियां ऐसे ही करती है या तुम्हारी बीवियां, सच सच बताना भाई। नहीं
पर परफेक्टली मैडम ने सारा डिजाइन अपने आप कर लिया। मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ये हटा दे चुन्नी, हटा दे चुन्नी, हटा के अच्छा लग रहा है। ये समझ लो बस, ये जो ब्लाउज का शेप है इसके ऊपर भी ये वाला कपड़ा था, ये कपड़ा था। ये अजीब लगता था मुझे, बहुत गंदा लगता था। तो पहले मैंने ये कपड़ा निकाला है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लर था, जो कि इसका फ्लर था। मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसा था जो कि खराब हो चुका है। ये फ्लर एक्स्ट्रा यहाँ तक था, ये बकवास लगता था। कपड़ा था, मैंने इस पे एडजस्ट किया। अभी थोड़ा लूज है कि इसको मैंने करना पड़ेगा कि साइड में लगवा रही है, चेहरे में ट्राई के लिए पहना है। तो मुझे ये वैसे लिया मैंने इसलिए था कि कल को मैं ब्लाउज चेंज कर दूं। मैडम मैडम चलो ठीक है, वो तो ठीक है, दलिया तो पी ले। और मैं इसको करीब कर रही हूँ सुबह 11 बजे से, और 2 बज गए फाइनली, मेरा ब्लाउज रेडी हो गया। इसको मैं दिवाली पे या तो भाई दूज पे घर पहन के जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत ठीक है ना। आप पहन लेना। और ये मेरा सारा स्ट्रगल है जो दिख रहा होगा। दलिया भी नहीं पिया भाई, देख लो। कुछ खाऊंगी मैं, खा ले पहले, पहले खा, खाई भी नहीं हूं। खा ले फटाफट, नहाया तो मैं भी ना हूं। आपका तो छोड़ो, मैं तो तुम्हें ना लेती हूं। हां अब ज्यादा बढ़िया है, अब अच्छा लग रहा है। अब इसको किसी फंक्शन में वेयर करो तो अच्छा लगेगा। देखो ब्लाउज वही है, सब कुछ वही है। हम कोई साड़ी भी पहनते तो इतना दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कपड़ा। अपने आप को अच्छा लगता। तो दोस्तों आ गए भाई अपने जिम पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकंड मील के बाद सीधा अपना जिम। तो आज करेंगे हम बैक का वर्कआउट। एंड भाई जो कि मैंने आपको बताया था प्री वर्कआउट में मैं क्या ले रहा हूँ, EAA और 2 टैबलेट LRG9। अब टैबलेट स्टार्ट कर दिया LRG9 की, ठीक है। तो अब वो ले गए हैं, अब ड्यूरिंग में लेंगे सिर्फ EAA। और मैडम ने देख लो, मैडम किधर लग रही है, अब तो नाराज ना है, नाराज तो ना रहोगी अब। तो भाई आज मैडम को थोड़ा सा घुमा फिरा लाते हैं, अगर नाराज हो रही थी गणित ना थी, तो इसलिए ले कर जाने जरूरी है। और यू एक अखरो बस जेब में। तो चलो भाई अपनी बैंक की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो जैसा कि आपको पता ही है, अभी ट्रेनिंग में कोई चेंज नहीं है, आखिरी के 3-4 दिन जो चेंज होंगे वो मैं बताऊंगा। सेम वर्कआउट चलेगा, सेम डाइट चलेगी जो कि मैंने आपको बताया ही है, ठीक है ना। तो हैवी से हैवी वर्कआउट करना है, ये नहीं है कि भाई नॉर्मल लाइट वेट पे आ जाना है या कुछ भी। जब तक पावर है पावर बनाओ, ठीक है ना, और पावर बनानी पड़ेगी भाई कैसे ना कैसे करके। जितना भी ग्लाइकोजन बनाया हमने कार्ब से करा हुआ था, वो अभी तक स्टोर था, तो सारा निकालना है, ठीक है ना। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। मेरा अराउंड 70 kg का फर्स्ट सेट है। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13, 14, 15, 19, 20। तो ये था हमारा भाई फर्स्ट सेट। तो अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते भाई, जो कि है क्लोज विद लैट पुल डाउन। अभी तक हमने एक्स्ट्रा वाइड करा था, एक्स्ट्रा वाइड के हमने लगाए 3 सेट, जिसमें मेरे रेपिटेशन आए थे। पहले में 20 रैप, दूसरे में 15 रैप, और लास्ट वाला सेट 80 दिन होगा जो मैंने मारे 12 रैप। तो अब सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्लोज ग्रिप। क्लोज ग्रिप के 2 ही सेट करने हैं, पर अच्छे से परफॉर्म करने हैं। स्लोली मूव करना है, स्लोली नीचे लग जाना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का खेल बहुत ज़्यादा है इसमें। जय श्री राम। 1, 2, 3 पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह
तो भाई क्लोज ग्रिप भी हो गई है। अब क्लोज ग्रिप हमें हाई टू लो करनी है, जिससे हमें वेट पूरा लगाना है, 100 kg लगा के रखेंगे और 3 सेट लगाने, फेलियर रैप, जितने भी रैप आते हैं उतने रैप लगाएंगे हम। तो कोशिश करते हैं पूरा ही लग जाए। चलो व्हाट्सएप से ही सो गए। तो ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो भाई अपनी फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी वन आर्म डंबल रो। वन आर्म डंबल रो में मैं एक ही वेट ले रहा हूँ 40 kg, क्योंकि 15 रैप मैं इसी से लगा देता हूँ, तो इससे ऊपर तो वेट है नहीं भाई मेरे पास। तो 40 kg के हमने 15 15 चार सेट लगाएंगे, ठीक है ना। और हैवी ही लगाना है, ज़्यादा कोई अभी कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हाँ, लास्ट सेट में अगर हुआ तो ड्रॉप सेट ले लें, अगर अदरवाइज वेट रैप कम आए तो, अगर 15 रैप आ रहे तो चलने दो, ठीक है। चलो अपने भाई फिफ्थ एक्सरसाइज रहेगी हाइपर एक्सटेंशन विद वेट। हैवी वेट लेना है अपने अकॉर्डिंग, मेरे लिए 20 kg इनफ है। तो मैं इसे फेलियर रैप लगाते हैं, वैसे तो लगते तो 15 ही है, तो ट्राई करते 20 आ जाए। तो आज एक दो तीन चार पाँच छः आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो भाई यही 4 सेट लगाएंगे हम, 15 15 से 4 लगा लेंगे। तो बैक की एक्सरसाइज खत्म हुई, अब एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप्स की। 2 मैं खिला दूं इनको हैं। तो भाई मैडम आज दही वाले गोलगप्पे खाने, यही खाने का मन था ना, और तो कुछ नहीं बताएगी। चलो ठीक है, दही वाले गोलगप्पे खिला दे भाई। और भाई ये कमेंट करके जरूर बताना, दही वाले गोलगप्पे किस किस को पसंद है और पानी वाले कौन से। मेरे को दही वाले पसंद है आपको। अच्छा लाज मैं बना दूं, मैं बनाऊं तेरे टाइम है।
भाई एक एक करके डालो सबको, मुंह में पानी आ जाए जैसे है ना, जो ना भी खा रहा है। ये फूड व्लॉगर बनाते रहे जो वो बना बना के ना दूसरा के मुंह में पानी ला देगा। फिर ऐसे में तो बंदा कोई डाइट ही ना कर पावे। मेरे गोलगप्पे आपके गोलगप्पे? मेरे गोलगप्पे देख लो भाई, इसमें किटके है, एप्पल साइडर विनेगर है, ये डाइजेस्टिव है, जेंस है, और ये देख लो विटामिन सी इसमें, इसमें भी मेरा है इसमें, हाँ चॉकलेट इसी की है। तो भाई अब मैडम खाई गोलगप्पे, वो आदमी वहीं से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं। हाँ ये रही मैडम गोलगप्पे, अब खाई मैडम गोलगप्पे, कितने पाँच खा ले? ये ना सच बताऊँ पाँच खा नहीं पाएगी, वैसे अगर मैं रहता ना, मैं अगर रहता ना तो मुश्किल से तीन खाती, दो फिर भी छोड़ रही थी, मैं ही खाता इसके इसकी प्लेट में जाइए। ठीक है यही आया करूँगा आपसे, मैं छः मिल रहे हैं। भाई नाराज हो गए, सुन तले अरे चिकन तो बना दे सुन, जैसे मना किया था वैसे बना दो हैं, जैसे मना किया था वैसे बना दो। अरे यार किस चीज के लिए मना करा ये बता, इधर तो सुन। अरे सुन तले, मैं नहीं सुन रही हूं सुन। हाँ। अच्छा ये बात बता, मैंने किस चीज के लिए मना करा आपको? अच्छा ये बता दे, छोले भटूरे कोई खाने की चीज है? आपको मन करता है वो खाते हो? अच्छा ऐसा खाते हो? मैं चलो ठीक है मैं खाता हूँ, मेरे को मेरा डाइजेशन का पता है। आपको उल्टी हुई थी ना दो दिन पहले, आपने ब्रेड पकौड़ी खाई, तो वो गलती से हो गई है। गलती यार हो सकता है ना, अभी दो दिन से आप ठीक चल रहे हो तो कम से कम उसको तो ठीक रख लो अभी डाइट को। नाराज ना इधर इधर आइए आइए। और सबसे बड़ी बात तो मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है, मुझे गुस्से में भैंसी आ रही है कि मुझे खिलाने ले गए और मेरे से पैसे दिलवाए हो, ऐसे कौन करता है? सो मैंने पैसे भी तो दिए थे। कितने रुपए? 10 रुपए। 10 रुपए दे के मांगो मेरे से खर्च करवा दो। अरे ठीक है अभी गुस्सा मत हो, चिकन तो बना दे। नहीं बना रही मैं कुछ भी, फिर ऐसे मत कर। मुझे पहले 500 बताओ 10 रुपए के बाद शाम को मुझे खर्च करना है, बिल्कुल नहीं लेती हूँ पैसे को। दे लो भाई, ये नू नाराज हो जाए पता यार, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाए। मैं तो कहता सिर्फ पर्स रख लो सेफ्टी के लिए, मुझे पता है कि मेरे पर्स दिलवाओगे और पर्स मर्जी कभी नहीं खाने दिया। अब मैं क्या करूँ, मेरे वो टेबलेट्स वगैरह इतने ज्यादा टाइम लगता है। क्या है ये? गुस्सा आ रहा मेरे को, ऐसे नहीं करते भाई यार, हद है यार। जाओ लेके आओ, मैं ना जा रहा कहीं। चलो भाई मैं तो अपना चिकन बना लूँ, भाड़ में जाए खा ले अपना गोलगप्पे, खवा लाए ना शांति रख ले, चल थोड़े दिन बाद खवा दूंगा शांति। वैसे बात मत करना। क्यों? नहीं नाराज ना हो, चल ठीक है खिला दूँ खिला दूँ। खाने तो ठीक था, पैसे को दिलवाए मेरे से। अच्छा मेरे से ले लीजिए बस शांति। ठीक है हाँ ये ठीक है चल। तो चलो दोस्तों लास्ट मील लेने का टाइम हो गया है, लास्ट मील देख लो, चिकन एंड बीन्स एंड पालक, तो ये है हमारी आखिरी मील। और मेरी आखिरी मील है मेरी अश्वगंधा जो मैंने कल से शुरू करी है स्ट्रेस रिलीफ। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसका नाम अश्वगंधा क्यों है, क्योंकि ये एक हर्ब है। अरे तो अश्वगंधा ही क्यों है इसका? इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है जिससे ये जब मैं घर पे थी ना तो खाते थे पाऊंगे, समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है? आप समझ आ रहा? अब समझ आ गया ले लो। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करने का टाइम आ गया है, सो आपको कल दोबारा से मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी से वर्कआउट एनर्जी के साथ। और आपको गुस्सा हुआ छोले भटूरे निकला है? ठीक है और मेरे से बिल पे करवाया इसलिए भी गुस्सा हो, भाड़ में जाओ। तो चलो भाई इस
इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड सीताराम दोस्तों।